स्टूडेंट्स, आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं सिक्स क्लास का चैप्टर नंबर नाइन, ठीक है पार्ट टू सिक्स क्लास का चैप्टर नंबर नाइन पार्ट टू। ठीक है, तो पार्ट वन में हमने देखा, पार्ट टू मतलब लेसन का नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम। ट्रेडर का मतलब होता है यात्री, यानी कि व्यापारी। ओके, किंग का मतलब होता है राजा और पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री। कौन होते हैं ये? तीर्थयात्री, जैसे किसी धार्मिक स्थल पर यात्रा करने वाले को हम तीर्थयात्री कहते हैं। ओके, हमारे इंडिया में बहुत सारे धार्मिक स्थल रहे हैं, जैसे कि वैष्णो देवी धार्मिक स्थल है, जैसे कि तिरुपति बालाजी धार्मिक स्थल है, तो वहाँ पर लोग आते जाते रहे हैं। तो ये लेसन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर नाइन आपको बताएगा कि इंडिया में किस तरह से पुराने टाइम में ट्रेडर जो है ट्रेड किया करते थे, व्यापारी व्यापार किया करते थे, और वो किस चीज़ का व्यापार करते थे। जैसे हमने पार्ट वन में देखा कि ये बहुत सारे टाइप के बर्तन होते थे, पॉटरी होती थी, पॉटरी को बर्तन कहते हैं इंग्लिश में, मिट्टी के बर्तन होते थे, स्पेशली बाउल और प्लेट वगैरह भी वो बेचा करते थे, सेल किया करते थे, जो हमें अलग अलग जगह के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि जो ज़मीन खोदी गई तो वहाँ से हमें ये मिले। इसके अलावा और भी चीज़ें सेल होती थी, जैसे गोल्ड हो गया, स्पाइसेस मसाले हो गए, ब्लैक पेपर स्पेशली, और प्रीसियस स्टोन यानी कि मूल्यवान पत्थर वगैरह भी ये लोग सेल किया करते थे। ओके, और जैसे हमें ट्रेड से पता चला कि रोमन गोल्ड कॉइन हमें साउथ इंडिया से मिले हैं, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि हमारा व्यापार रोम तक फैला हुआ था, मतलब कि इंडिया का व्यापार रोम तक फैला हुआ था। ठीक है, तो पार्ट वन में हमने ये देखा, पढ़ा काफ़ी, फिर एक पोएम पढ़ी ट्रेड के बारे में कि ट्रेड में क्या क्या चीज़ें आती थी, जैसे हॉर्स भी ट्रेड किया जाता था, यानी कि व्यापार घोड़ों का भी होता था, काली मिर्च का व्यापार होता था, जो जेम्स मतलब हीरे मोती जेम्स का व्यापार होता था, गोल्ड सोने का व्यापार होता था, सैंडलवुड मतलब कि भाई चंदन की लकड़ी जो कि बहुत फेमस थी वेस्टर्न हिल्स पे, जो साउथ की हिल्स मैंने बताई थी आपको, अन्नामलाई नरलामलाई और कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ, वहाँ पर ये खूब बिकती थी, खूब मिल जाती थी वहाँ से, पल्स मोती कोरल्स वगैरह ये सब बिकते थे, और गंगा घाटी से फसल वगैरह लेकर आते थे, श्रीलंका से बहुत सारा जो फिश आइटम यानी कि फूड स्टफ वगैरह भी वहाँ से वो लेकर आते, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था। मैंने पिछली बार आपको बताया कि कुछ तो ये इंपोर्ट कर देते थे और कुछ एक्सपोर्ट कर लेते थे। ओके, उसके बाद हमने देखा कि कैसे अलग अलग सी कोस्टल एरिया पे, अरेबियन सी के आसपास और जो बे ऑफ बंगाल के आसपास बहुत सारे साम्राज्य बनने लगे। ये देखिए, न्यू किंगडम्स इमर्ज हुए, नए नए साम्राज्य बनने लगे समुद्र तट के किनारे पर। ठीक है, तो हमने ये देखा, और इस तरह के तीन बड़े पावरफुल थ्री चीफ यानी कि साउथ में थ्री चीफ हमने देखे। ये देखिए, थ्री चीफ के बारे में बता रहे हैं आपको, ये थ्री चीफ कौन थे, ये थ्री चीफ जो कि तमिल वर्ड में मुवांडर कहलाते थे। थ्री चीफ का मतलब है तीन मेन मुखिया जो उस एरिया में, कोस्टल एरिया में बड़ा साम्राज्य बना लेते हैं। कौन सी एरिया था ये? कावेरी नदी का, यानी कि कावेरी और कृष्णा का पूरा डेल्टा एरिया था, और वहाँ पर ये। अच्छा, इनके बारे में नॉलेज कहाँ से मिली हमें? तमिल लिटरेचर संगम पोएम से मिली हमें। ध्यान दें, मैंने क्या बताया आपको, संगम पोएम, संगम जो यानी कि साउथ का लिटरेचर होता है उसको संगम लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर का मतलब है साउथ की किताबें, तो वो हमें इनसे पता लगा कि ऐसे साम्राज्य हुए। अब कौन से साम्राज्य हुए वो देखिए, साउथ में बड़े बड़े व्यापारियों के आसपास तीन प्रकार के साम्राज्य, चोल, चेराज और पांड्यांस, ये साउथ में तीन बड़े साम्राज्य हुए थे, और आज से 2300 साल पहले ये साम्राज्य बने होंगे। ओके, अब बात करते हैं इन साम्राज्यों की कैपिटल कौन सी होती थी, या मेन ट्रेड सेंटर कौन से हुआ करते थे। तो मैंने आपको बताया था कि एक सेंटर तो ट्रेड का, व्यापार करने का सबसे बड़ा सेंटर माना जाए तो पुहार था, और दूसरा सेंटर कौन सा था? मदुरई। ये दो सेंटर हुआ करते थे। ओके, पुहार का नाम आजकल कावेरीपट्टनम भी है, आजकल उसे हम कावेरीपट्टनम कह सकते हैं, केरला में मिलेगा आपको ये। तो अब यहाँ पर इन दोनों एरिया पे किसका रूल हुआ करता था? पांड्यन का। मैंने बताया कि यहाँ तीन बड़े राज्य हैं, तो यहाँ इस एरिया पे पुहार और कावेरीपट्टनम में किसका राज्य है? पांड्यन किंग का, और चोल डायनेस्टी की यहाँ पर पोर्ट वगैरह यानी बंदरगाह हुआ करते थे। ठीक है, ये चीफ मतलब हमेशा आज की तरह रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, ये एक ही बार में जो है पूरे साल भर का या फिर दो चार साल का इकट्ठा टैक्स ले लेते थे, और ये गिफ्ट वगैरह की डिमांड भी लोगों से किया करते थे। कभी कभी तो मिलिट्री एक्सपेडिशन भी होता था, यानी कि लंबी लंबी यात्राएं होती थी, फौजी यानी कि सोल्जर्स ये सब एक जगह से दूसरी जगह पर अटैक करने के लिए जाते थे। ओके, इन राजाओं के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है संगम लिटरेचर में, राजाओं की प्रशंसा के बारे में। किन किन राजाओं के बारे में? पांड्याज,
चेराज और चोलाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है। कहाँ लिखी गई है? मदुरई और कावेरीपट्टनम में लिखी है। किसने लिखी? वहाँ के कवियों ने लिखी इनके बारे में। तभी तो हमें पता चला कि वहाँ पर ये चोल, चेराज और पांड्यन हुआ करते थे। ओके, अब जरा बात करते हैं एक और। ये देखिए, जब ये आर्मी चलती थी तो इनके साथ में रथ, चैरियट का मतलब रथ होता है, कपड़े, हाथी, घोड़े, ये सब उनके साथ जाते थे और सोना चांदी भी ये लेकर वहाँ से निकलते थे। अब देखिए, एक और राजा की बात आई थी पिछली बार, मैंने आपको बताया था 200 ईयर्स में पहले एक सातवाहन राजा भी साउथ में हुए हैं। सातवाहन राजा जो कि वेस्टर्न इंडिया के पार्ट में हुआ करते थे, जिसमें सबसे पावरफुल राजा ये रहा, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। और मैंने पिछली बार आपको फर्स्ट वीडियो में बताया भी था कि ये गौतमी पुत्र ऐसा नाम उसके आगे क्यों लगा, क्योंकि उसकी माँ का नाम गौतमी बालाश्री था। तो पहले के राजा क्या होते थे साउथ के, वो अपनी माँ को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो अपनी माँ का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे। इसका मतलब राजा का नाम क्या है? सातवाहन राजा सातकर्णी, तो श्री उसके आगे नाम लगा दिया, श्री सातकर्णी। तो अपनी माँ का नाम आगे लगा रहा है, तो क्या लिख रहा है वो? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। इसका मतलब ये हुआ कि राजा का फुल नेम क्या होगा? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गौतमी पुत्र क्यों लगाया, क्योंकि उसकी माँ का नाम गौतमी था, तो वो ओके। अब देखिए आगे, साउथ में पूरे एरिए को दक्षिणा पथ भी कहते थे। दक्षिणा पथ का मतलब साउथ का पूरा एरिया जहाँ पर लोग ट्रेड करने के लिए आए हैं, उसको दक्षिणा पथ कहते थे, ठीक है। और इसमें वेस्टर्न कोस्टल एरिया और साउदर्न कोस्टल एरिया, ईस्टर्न कोस्टल एरिया सारे थे। ये कोस्टल एरिया का मतलब होता है समुद्र तट, तो जितने भी समुद्र तट हैं वहाँ पर, समुद्र के नज़दीक जहाँ पर सागर की लहरें आती है, वो समुद्र तट कहलाता है। उसके सारे एरिए को ये कोस्टल एरिया कहते हैं, जहाँ पर इनका कंट्रोल हुआ करता था सातवाहना रूलर का। अब कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ यही बताया शुरुआत में कौन डेवलप हुए वहाँ पर, चोल, चेराज और पांड्यंस। उसके बाद कौन डेवलप हुए? सातवाहना, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब आज इस पार्ट नंबर टू में हम डिस्कशन करेंगे स्टोरी ऑफ सिल्क रूट, यहाँ हम शुरू करेंगे। ओके, पार्ट वन में यहाँ तक हमने किया था, तो उसका हमने छोटा सा रिवीजन कर लिया। अब शुरू करते हैं स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। सिल्क का मतलब क्या है यहाँ पे? सिल्क का मतलब होता है रेशम के कपड़े। रेशम के कपड़े पहले बहुत फेमस होते थे। रेशम का कपड़ा इतना अच्छा होता था कि बहुत ही कम वजन और बहुत ही ग्लोसी कलर का, बहुत ही बेहतरीन कलर का, बहुत ही अच्छा कपड़ा होता था, जिसको पहनने के बाद बहुत अच्छा फील होता था। इन कपड़ों को ये लोग सिल्क से तैयार करते थे। मलबरी का एक पेड़ होता है, मलबरी, मलबरी को सहसूत का पेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? शहतूत। क्या कहते हैं? शहतूत। ओके, शहतूत का पेड़ होता है, उस पेड़ पे सिल्क वॉर्म पाले जाते हैं। देखो क्या क्या पाले जाते हैं? सिल्क वॉर्म क्या होते हैं? रेशम के कीड़े होते हैं, और इन कीड़ों से क्या तैयार करते हैं हम लोग? रेशम तैयार करते हैं, सिल्क तैयार करते हैं। फिर उस सिल्क के धागे से फिर कपड़े बनाए जाते हैं। कहते हैं कि सिल्क इतना स्मूथ टेक्सचर होता था, बहुत ही बढ़िया तरीके का, एक बहुत ही बढ़िया ढंग का एक कपड़ा होता था, और इसकी बहुत अच्छे धागे की वजह से, फैब्रिक का मतलब धागा होता है, तो हाई वैल्यू फैब्रिक, मतलब इसकी यूरोप में बहुत डिमांड होती थी। बहुत सारे समाज के लोग सिल्क कपड़ा पहनना चाहते थे, तो बहुत बहुत रेयर था। इसीलिए पुराने टाइम में हमारे साउथ इंडिया में, यानी कि साउथ इंडिया जो नीचे से ऐसा ट्राइंगल दिखता है, तो अलग अलग जगह पर, जैसे कलकत्ता पर, और उसके बाद मद्रास में, और उसके बाद में फिर केरला में, केरला के बाद फिर ये गोवा वाला एरिया, बॉम्बे वाला, गुजरात वाला एरिया, जैसे गुजरात यहाँ पर पड़ता है, तो ये गुजरात वाला एरिया होगा, इन सारी जगह पर इसका व्यापार बड़े लेवल पर होता था। अब अगर सिल्क का व्यापार बड़े लेवल पर होता है, तो अब क्या बन गया? सिल्क रूट। मतलब ये रास्ता जिस पे ये सिल्क का व्यापार करते थे, वो सिल्क रूट हो गया। इट्स वेरी सिंपल। तो अब देखिए जरा, सिल्क से कपड़े बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता था, बहुत ही मुश्किल काम होता था, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। सिल्क जो है कहाँ से लिया जाता? मैंने बताया ना, सिल्क वॉर्म से मिलेगा हमें। कैसे करेंगे? कहते हैं कि सिल्क के जो कीड़े होते हैं, यानी रेशम के कीड़े जो होते हैं, उनको शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है, और वो मीठे सहसूतों पर जिंदा रहते हैं। उसके बाद में उनको कीड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, और ऐसा माना जाता है कि उनको गर्म पानी में डाला जाता है, फिर वो कीड़े मर जाते हैं, फिर उनसे धागे निकलते हैं, और उन धागों से फिर क्या बनाया जाता है? कपड़े। तो सिल्क के कपड़े बनाना, यानी कि रेशम के कपड़े बनाना, बड़ा मुश्किल काम होता था। ओके, अब जरा देखते हैं क्या करते थे ये लोग।
कि देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है सिल्क कोकून, है ना। सिल्क कोकून का मतलब है उन कीड़ों से मिला हुआ वो धागा, सिल्क कोकून। सिल्क वॉर्म से मिलेगा, जैसे मैंने बताया भी था कि अभी सिल्क के कीड़ों से मिलेगा हमें और उससे धागा तैयार करेंगे, ठीक है। देन वोवन इनटू क्लॉथ, फिर उसको कपड़े में तैयार कर दिया जाएगा। इस टेक्निक को सिल्क से पहली बार जो कपड़े बनाने की टेक्निक थी, सिल्क के धागे से कपड़ा बनाने की टेक्निक चाइना ने डेवलप की। और कमाल की बात है, आज से 7000 साल पहले ये सिल्क के कीड़ों से यानी कि सिल्क वॉर्म से कपड़े बनाना चाइना के लोग जानते थे, है ना। टैलेंटेड, कितने टैलेंटेड थे ये चाइना के लोग। इंडिया के लोग तो कॉटन के कपड़े बनाते थे, यानी कि रुई, रुई से धागा तैयार करते और धागे से फिर कपड़े बनाते जो आज भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये लोग तो सिल्क से कपड़े बनाते थे और बहुत ही फाइन होते थे, इसीलिए चाइना से बहुत सारा सिल्क खरीद कर हम लोग व्यापार करने के लिए यूरोप जाते थे और कपड़े भी यूरोप बेचने के लिए जाते थे। इसीलिए हमारे इंडिया से आने वाले उसको व्यापार को हमने क्या कहा, सिल्क रूट। उस रास्ते को हमने क्या कहा, रेशम मार्ग। अब सिल्क रूट का मतलब ही क्या होता है, रेशम मार्ग, जहाँ पर रेशम का कपड़ा खूब बिकता है। ओके, अब जरा बात करते हैं कि भाई ये जो बहुत सारे साल तक ये चलता रहा, मतलब कि बड़े लेवल पे इस तरह से कपड़े बनाने का काम हजारों साल तक चलता रहा, थाउजेंड ऑफ ईयर ये कपड़े बनाते रहे, आज भी बड़े फेमस है। इसमें से कुछ लोग तो चाइना के ऐसे थे जो दूर दूर जमीन पर पैदल ही गए, ये देखो लिखा हुआ डिस्टेंट लैंड फॉर ऑन फूट, पैदल जमीन पर गए, कई बार घोड़ों पर कपड़े लाद कर बेचने के लिए ले गए थे, कई बार ऊँटों के ऊपर कपड़े लाद कर वो बेचने के लिए निकलते थे। इनकी ऊँटों की पीठ पर, घोड़े की पीठ पर क्या लादा होता था, सिल्क, सिल्क लाद कर वो ले जाते थे, यानी कि सिल्क के कपड़े और वो बिकते थे। ये जो रास्ते जिन पर सिल्क के कपड़े बिकते होंगे और वही रास्ते क्या कहलाएंगे, सिल्क रूट। जिन रास्तों पर सिल्क के कपड़े ज़्यादा बिकते होंगे उसी को हम क्या कह रहे हैं, सिल्क। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जरा देखते हैं, जब ये सिल्क रूट के रास्ते पर निकलते तो चाइनीज रूलर सम टाइम, कई बार चाइनीज रूलर सेंट गिफ्ट ऑफ सिल्क टू रूलर ऑफ ईरान, कई बार तो चाइनीज रूलर ने सिल्क के कपड़े गिफ्ट के रूप में ईरान के राजाओं को भी भेजा है और वेस्ट एशिया के राजाओं को भी भेजा। और वेस्ट एशिया क्या है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, ये सारे कंट्री जो है वेस्ट एशिया कहलाते हैं। आई रिपीट, कौन कौन से कंट्री, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, मस्कत, ठीक है, और यूएई, ये कंट्री, कितने सारे कंट्री, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, मस्कट, यूएई, इन कंट्रीज़ को ये गिफ्ट भेजा करते थे, ठीक है। तो इस तरह से तो इस तरह से सिल्क के रूट की नॉलेज सबको होती थी। ये देखिए, ये लिखा हुआ है सिल्क पूरे वर्ल्ड में फैल गया, पहले चाइना में व्यापार होता था फिर बाद में फैल गया। 2000 ईयर के आसपास सिल्क से कपड़े बनाना बाद में एक फैशन का काम हो गया, वियरिंग सिल्क, सिल्क के कपड़े पहनना एक बहुत ही बड़ा फैशन का काम हो गया। ये सिल्क के कपड़े न केवल रूलर ने, राजाओं ने पहने, बल्कि अमीर लोगों ने भी पहनना शुरू कर दिया रोम में। अब ये रोम क्या है, रोम है इटली की कैपिटल, रोम क्या है इटली की कैपिटल, ये देखिए रोम क्या है इटली की कैपिटल, ये देखो इटली देश है, यूरोप का देश है ये, और यूरोप के अंदर रोम कैपिटल है। ओके, तो कहते हैं इटली देश जो था, रोम जो एरिया पड़ता था वो बहुत ही फेमस था उस टाइम में, रोम के लोग बहुत अमीर माने जाते थे, तो वो इन महंगे महंगे कपड़ों को खरीद लेते थे आराम से, बहुत ही महंगे बिकते थे वहाँ पे, ठीक है। तो इसी वजह से धीरे धीरे सिल्क यानी कि चाइना से होते हुए इंडिया, इंडिया से होते हुए आगे बढ़ते थे। लेकिन आपको बताऊँ, ये व्यापार करना आसान नहीं होता था, खतरनाक रास्ते, पहाड़ियों के बीच में से ये निकलते थे घोड़े हाथी पर, बीच में तो कई बार लुटेरे भी आ जाते थे, कभी कभी तो ये पहाड़ियों के बीच में से, माउंटेन के बीच में से निकलते, कभी मरुस्थल में से निकलते, कभी कभी रेत के तूफानों में फंस जाते, घोड़े हाथी जो साथ लेके जा रहे हो मर जाते, कभी कभी तो आदमी भी मर जाते। तो ये व्यापार करना पहले आसान नहीं था, आजकल तो हवाई जहाज़ वगैरह से व्यापार कर लेते हैं, रेलगाड़ियों में पहुँचा देते, लेकिन पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, लोगों को पैदल ही जाना होता था या फिर घोड़े हाथी पर जाते थे, तो बहुत खतरनाक रास्ते थे। अगर समुद्र के रास्ते से जाएं तो उसमें भी लूट लेते थे लोग,
जिसे आपने कभी सुना हो, हॉलीवुड मूवी बहुत सारी बनी हुई है, पायरेट्स, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन सी, आपने इसके बारे में सुना होगा, इसके बहुत सारे, ठीक है, कैरेबियन सी यानी कि कैरेबियन सागर के लुटेरे, पायरेट्स का मतलब होता है लुटेरे, लुटेरे, ठीक है। और कैरेबियन सी में जो लुटेरे मिलते थे, इन जहाज़ों को जो सिल्क से भरे हुए सामान लेकर आते थे उनको लूट लेते थे, ज़्यादातर तो वो इंग्लैंड से और इंडिया से आने वाले जहाज़ों को लूटते थे, ठीक है। उसमें एक बहुत ही खतरनाक जहाज़ बताते हैं पायरेट्स ऑफ कैरेबियन सी में, ब्लैक पर्ल, ब्लैक पर्ल एक जहाज़ होता था, ब्लैक पर्ल, ठीक है। और ये ब्लैक पर्ल एक लुटेरा जहाज़ था जिसका कमांडर बताते हैं कि जैक स्पैरो, जैक स्पैरो, तो ये जैक स्पैरो बहुत बड़ा लुटेरा था जो उस समय इंग्लिश जहाज़ों को लूट लेता था और पकड़ में भी नहीं आता था। तो इस तरह के बहुत सारे खतरे व्यापारियों को उस समय होते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और कुछ किंग क्या करते थे, कंट्रोल करने की कोशिश करते थे इस रूट को ताकि उनको टैक्स मिल सके, है ना। कमाल की बात है कि टैक्स के लिए भी वो कई बार इस रूट को, सिल्क रूट को, जो सिल्क के रास्ते हैं, सिल्क रूट को, सी रूट्स को वो कंट्रोल करने की कोशिश करते ताकि उनको टैक्स मिल जाए और इस टैक्स से वो अपने देश को चलाएंगे, ठीक है। उन्हें टैक्स का बेनिफिट मिल जाता था, कई बार तो वो गिफ्ट की डिमांड भी करते थे। ट्रिब्यूट का मतलब, ट्रिब्यूट और गिफ्ट मतलब जो आने जाने वाले व्यापारी होते थे उनसे वो गिफ्ट ले लेते थे, कभी वो मसाले ले लेते थे, कभी कपड़े ले लेते थे, तो उनको गिफ्ट देकर जाना होता था। इसीलिए बाद में जितने भी व्यापारी थे जब वो यात्रा करते तो उन रास्ते पर उनको राजाओं के लिए गिफ्ट लेकर ही चलने पड़ते थे, क्योंकि फिर उसको निकलने नहीं देंगे वहाँ से, उन व्यापारी को उस रास्ते से निकलना हो तो वो गिफ्ट लेकर चलेंगे। ओके, अब देखिए, एक तो गिफ्ट देने से ये भी फ़ायदा होता था कि राजा उनको लुटेरों से बचाएगा, एक ये भी फ़ायदा होता था। ये देखिए, अटैक बाय द रोबर्स, रोबर का मतलब होता है डाकू, डाकू, तो डाकुओं से उनको बचाएंगे। राजा को गिफ्ट देने के कई फायदे होंगे कि वो उनके व्यापारियों को डाकुओं से बचाएंगे, इसलिए उनको गिफ्ट दिए जाते थे। अब देखिए, बेस्ट नोन रूलर, ऐसा ही एक राजा जिसने कंट्रोल किया था सिल्क रूट को, जिसने सिल्क रूट के ऊपर अपने टैक्स वगैरह लगाए थे, वो कुषाण वंश का था। ये कुषाण डायनेस्टी, ठीक है, ये कुषाण डायनेस्टी याद रखना, इसके कई बार क्वेश्चन आते हैं कि वो कौन था जिसने सिल्क रूट को कंट्रोल किया। तो कुषाण रूलर थे जो किस पे राज करते थे, सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया जहाँ पर बहुत ही फेमस और ख़तरनाक एक बहुत ही बड़ा लुटेरा हुआ है जिसका नाम है चंगेज़ खान। तो ये कुषाण राजा वहाँ के हुआ करते थे और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पार्ट पे भी इनका कंट्रोल होता था। नॉर्थ वेस्ट का मतलब आजकल जो ये हरियाणा पंजाब का एरिया जो पड़ रहा है, हरियाणा पंजाब राजस्थान, उसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं हम, तो उस पे भी कुषाण राजाओं का राज हुआ करता था आज से 2000 साल पहले। तो उन्होंने इस सिल्क रूट पे क्या लगाया, टैक्स लगाया। उस समय दो बड़े सेंटर हुआ करते थे जहाँ पर कपड़े बहुत बिकते थे, ठीक है, और जो पावर के सेंटर भी हुआ करते थे, एक पेशावर पाकिस्तान का, एक इंडिया का मथुरा, मथुरा यूपी में है और पेशावर पाकिस्तान में है आजकल, पहले तो इंडिया में होता था ये, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे पहले। तो बहुत बड़े सेंटर के रूप में जहाँ पर राजाओं ने अपनी पावर इकट्ठी की, तो उसमें मथुरा और पेशावर हुआ करता था, ठीक है। तो इसको याद कर लेंगे हम लोग कि सिल्क रूट पर सबसे पहले टैक्स किसने लगाया, कुषाण राजाओं ने। ओके, मथुरा और पेशावर दो बड़े सेंटर होते थे। तक्षशिला भी एक और बड़ा सेंटर हुआ उस समय, तक्षशिला एक बहुत बड़ा किंगडम बन गया था। ये देखिए तक्षशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी है आज भी, वहाँ पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, बहुत बड़ा कॉलेज है ये तक्षशिला कॉलेज, ठीक है। और कहते हैं कि जब ये इस समय, जैसे ये कुषाण राजा रूल किया करते थे, तो उसी समय सिल्क रूट की भी एक ब्रांच होती थी, सेंट्रल एशिया में ये बिकने के लिए निकलते थे, ठीक है। सी पोर्ट्स, समुद्री बंदरगाहों से और नदी के मुहानों पर, जैसे इंडस नदी की बात कर रहे हैं जो हमारे इंडिया की बड़ी फेमस रही, इस पे भी सिल्क का व्यापार पश्चिम साइड में होता था। वेस्ट वार्ड का मतलब है पश्चिमी देशों की तरफ व्यापार होता था, रोमन देशों में व्यापार वो किया करते थे। इसका मतलब हमारा व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। कुषाण डायनेस्टी के लोग जो थे उनमें जो शुरुआती रूलर हुए, जो जिन्होंने पूरे भारत को कंट्रोल किया, सब कॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप को, सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है उपमहाद्वीप को कंट्रोल किया, ठीक है, वो यहाँ गोल्ड वगैरह भी इशू किया करते थे। जैसे उनको मतलब जैसे सिल्क खरीदना हो या सिल्क में या उनको गिफ्ट देने हो तो वो ज़्यादातर गोल्ड में होते थे।
तो इससे इस पेज में हमें ये सिद्ध होता है कि भाई बहुत सारे रेशम यानी कि सिल्क रूट जो है, हमने जो समझा कि ये बहुत पुराना रूट था और इंडिया में और चाइना में सब जगह पर होता था। दूसरी बात कि इस रूट में जो है बहुत सारे खतरे भी थे, और जब ये सामान लेकर चलते थे तो रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनको देखने को मिलती थी, लेकिन बहुत सारे राजाओं ने इनकी प्रोडक्शन भी की है। बड़े बड़े सेंटर हुआ करते थे, पेशावर, मथुरा, तक्षशिला, जिस पर राजा रूल किया करते थे, और ये व्यापार कहाँ तक चलता था, रोमन एम्पायर तक। अब जरा आगे देखते हैं कि इन जगह पर गोल्ड कॉइन भी खूब मिले। ट्रेडर जिन्होंने यूज़ किए सिल्क रूट पे, इस तरह के गोल्ड कॉइन जो रोमन एरिया से आए थे वो बहुत बड़े लेवल पर यहाँ यूज़ हुए। ठीक है, तो आई थिंक आपको सिल्क रूट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जरा चलते हैं बुद्धिज़्म, कैसे बौद्ध धर्म फैलता चला गया। तो देखिए, सबसे पहले एक यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाई गई आपको, ये एक ऐसी पिक्चर है जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें दिखाई गई है। या देखिए, ये जो दिखाया गया है ये महात्मा बुद्ध की समाधि स्थल है। ये देखिए, ये जो यहाँ दिखाया गया ये महात्मा बुद्ध का समाधि स्थल है, और इसके साइड में बहुत सारे लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं। ये देखिए, यहाँ पर हाथ जोड़कर खड़े हैं, ये दो आदमी इधर खड़े हैं, दो इधर खड़े हैं, और कुछ लोग ऊपर से मालाएं चढ़ा रहे हैं। ये जो ऊपर खड़े हैं ये परियां हैं जो कि बौद्ध भगवान को यहाँ माला चढ़ाने के लिए खड़े हैं। और ये जो बीच में पत्तियों का जो दिखाया गया, ये जो पत्तियों का दिखाया गया, ये बरगद का पेड़ है। इस बरगद के पेड़ के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की, नॉलेज की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये पूरी पिक्चर दिखाई गई है। और ऊपर देखो, ये स्वास्तिक के निशान है, बौद्ध धर्म में कुछ बातें लिखी गई है। ये देखिए, ये बौद्ध धर्म में कुछ बातें यहाँ लिखी गई है, ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर। तो इस तरह से आप देखोगे बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पिक्चर हमें दिखाती है बौद्ध कल्चर के बारे में। ओके, तो अब जरा देखिए, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, सिल्क रूट के साथ साथ बौद्ध धर्म का प्रचार भी होता चला गया। अब आप ये कहोगे कि बौद्ध धर्म शुरुआत कहाँ पर हुई पहले, ठीक है, ओके, बौद्ध धर्म की शुरुआत कहाँ हुई, तो नेपाल की पहाड़ियों में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और फिर बाद में वो इंडिया में बिहार के आसपास आए और उन्होंने फिर यहाँ धर्म की नॉलेज दी। ठीक है, तो क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि बौद्ध धर्म कैसे फैला। नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, ये कहाँ से कैसे फैला, ये बौद्ध धर्म की जो महात्मा बुद्ध की यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई है इनके बारे में काफ़ी नॉलेज इकट्ठी करेंगे, और कैसे लोग इनसे बौद्ध धर्म के जो बौद्ध मॉन्क होते थे उनसे क्वेश्चन वगैरह किया करते थे, उन धार्मिक यात्राओं के बारे में जो बौद्ध धर्म के लोग करते थे व्यापारियों के साथ चलते हुए, और कैसे उन्होंने उस टाइम में फाशियान भी इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया के अंदर जो था उसके बारे में बताया कि इंडिया के अंदर क्या सिस्टम है। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बौद्धिस्ट धर्म के लिए बहुत ही बड़ा लर्निंग सेंटर बना, उसके बारे में बातें करेंगे। फिर भक्ति की मूवमेंट कैसे शुरुआत हुई, इन सब के बारे में। तो आज इस पार्ट वन में हम इतना ही करेंगे। अगले पार्ट थ्री में, पार्ट टू आज हमने किया, पार्ट थ्री में हम बौद्ध धर्म के बारे में ज़रूर बातें करेंगे कि ये धर्म कैसे फैल गया था, शुरुआत किसने की, इस धर्म का क्या इम्पैक्ट रहा इंडिया में और पूरे वर्ल्ड पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम जरूर डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।